हेलो जी, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? होप है आप सभी अच्छे होंगे यार। तो आज नया दिन, नई चाहत और नया काम। तो आपको पता ही है कि फोरमैन जी की रिटायरमेंट हो रही है आज। कल हमारी तरफ से पार्टी थी, वो सक्सेसफुली डन हो गया काम। तो आज उनको हम रिटायर करेंगे यहाँ से, तो उसी की तैयारियाँ चली है। फोरमैन जी का इंतजार है अभी, उन्हीं का वेट करेंगे। वेलकम फोरमैन जी, वेलकम। पहुँच गए आप है वार्क, आपको बहुत बहुत यार, बड़ी खुशी की बात होती है। ऐसे भी मतलब बंदा सक्सेसफुल एकदम रिटायर हो सर्विस से हैं। तो हमारा प्रोग्राम अब छोटा सा गेट टुगेदर स्टार्ट हो चुका है। ये फोरमैन जी की फैमिली मेम्बर पधार चुके हैं यहाँ पर सभी, और बहुत कम पर्सन ऐसे होते हैं जो यार रिटायरमेंट के बाद सक्सेसफुली घर जा पाते हैं। नहीं तो आपको पता ही है कि बिजली बोर्ड की लाइफ कैसी होती है, कितने हादसे होते हैं काम करते वक्त। और बहुत ही खुशी की बात रहती है ये कि सक्सेसफुली डिपार्टमेंट में अपनी कार्य प्रणाली को ख़त्म करके जाना। और हमारे फोरमैन सर तो सर्वगुण संपन्न हैं, पंक्चुअल, सिंसियर, गुड लिसनर, एज अ एडवाइजर, एज अ पर्सन, वेरी 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 गुड पर्सन, वेल बिहेवियर। मतलब जैसे कि कोई अपने घर के लिए बहू ढूंढता है ना, सर्वगुण संपन्न ऐसे एम्प्लॉय हैं हमारे फोरमैन सर। और अगर बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड को कोई चेहरा देना हो तो वो चेहरा हमारे फोरमैन सर का हो। जैसा कि हम जानते हैं कि 38 वर्ष की टोटल कुल अपना सेवा काल इन्होंने यहाँ पे इस बोर्ड को दिया है। उस 38 वर्ष में मेरे को आज पता लगा कि इन्होंने अपनी शुरुआत भी इसी ऑफिस से की थी और आज इनकी विदाई भी यहीं से हो रही है। तो इस 38 वर्ष में कुछ टाइम के लिए ही हमारे प्रोटेक्शन एंड टेस्टिंग विंग में रहे और मैक्सिमम टेन्योर इनका यहीं रहा। हालांकि मुझे यहाँ आए थोड़ा टाइम हुआ है, तो इस थोड़े से समय में मैं बहुत कम ही इनके बारे में जान पाया हूँ, लेकिन जो मुझे कुछ पता लगा वो ये है कि ये काफ़ी मधुर स्वभाव के, काफ़ी मिलनसार और काफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। साथ में जो मेरे कर्मचारी हैं वो ज़्यादा अच्छे ढंग से जानते होंगे कि इनके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, वो अभी मैं आपको बता नहीं सकता। कहते हैं कि कर्म ही इंसान की पहचान होते हैं, कर्म ही इंसान की पहचान होते हैं, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान होते हैं। उस रिटायरमेंट की टाइम में जहाँ मुझे थोड़ी प्रसन्नता तो है ही है, पर थोड़ा दुख भी हो रहा है। दुख इस बात का हो रहा है कि कितना अनुभवी व्यक्ति हमारे बीच से आज रिटायर होकर जा रहा है। जो 38 वर्ष का इनका अनुभव है हमारे पास तो खैर कुछ भी नहीं है, तो जो इनके साथ जो टाइम बिताया है, जो एक्टिविटीज़ यहाँ होती थी, तो वो कमी तो हमेशा हमारे पास ही खलेगी। लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि अपना एक कर्मचारी सेवा काल में अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाता है, तो अब ये अपने धर्मपत्नी को, अपने बच्चों को और अपने जो परिवार के जो भी शादी समारोह होंगे या जो भी कार्यक्रम होंगे वहाँ पे पर्याप्त समय दे पाएंगे। भगवान उनकी सेहत को अच्छी रख और इनकी अच्छी सेहत की कामना करने के साथ मैं एक बार फिर से इनके रिटायरमेंट के समारोह पे इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। खुशी भी हो रही है लेकिन दुख भी है कि अपने इन साथियों को छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे स्पोर्ट्समैन के लिए एक मेडल उसकी ज़िंदगी का एम होता है, आज ये मोमेंटम ये मेरे लिए लाइफ का गोल्ड मेडल है। बहुत है कि मेरे घर में 1 बजे लंच का प्रोग्राम है, तो आप सभी लोग ठीक है ऐसे मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, बट जैसे सर ने अभी बोला कि यहीं से पापा जी ने यहाँ से शुरुआत करी थी और दुनिया गोल है बोलते हैं ना, तो वैसे पापा जी का आज यहीं पे
रिटायरमेंट हो रही है, तो बहुत खुशी की बात है। एक तो पापा जी ने ऐसे कभी खुद से नहीं बोला, बट ऐसे मैं पर्सनली बता रहा हूँ जो मैंने खुद सीखा है, वो ये है कि चाहे कोई इंसान कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ भी है, या कोई मजदूर है, पापा जी ने कभी किसी से मतलब ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी। तो ये चीज़ मैंने सीखी है कि कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर, सबको रिस्पेक्ट दो, और जो आदमी रिस्पेक्ट देता है उसकी रिस्पेक्ट होती है। और आज ये सबको पता है जो भी यहाँ पे हैं, और यहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर है पापा जी साहब यहाँ पे या फिर दूसरे ऑफिस में जितने भी रहे, सभी के साथ जो एक बिहेवियर होता है, एक स्वभाव होता है, वो सभी के साथ हमेशा अच्छा रहा है, और वही रीज़न है कि सभी लोग उतने ही रिस्पेक्ट करते हैं पापा जी के। तो मुझे लगता है सबको ये चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई टीचर ही हो, सीखने के लिए हम अपने आस पास से, अपने छोटों से बड़ों सबसे सीख सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने सीखी है, और सीखने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर क्योंकि मैं अभी शब्दों में नहीं बता सकता, जो क ख ग है उससे सिर्फ एक नाम लिखा जा सकता है, पर उस नाम का मतलब नहीं बताया जा सकता। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर यही है कि बापा जी थैंक यू सो मच आपने। और थैंक यू, आपने इतना अच्छा कल भी ऑर्गेनाइज किया, आज भी ऑर्गेनाइज किया, और ज़्यादा तो क्या बोलूँ, पर पापा जी हमेशा यहाँ के स्टाफ के बारे में, मतलब अपनी पूरी सर्विस में उन्होंने सबसे ज़्यादा बात यहाँ के स्टाफ के बारे में की है, घर पे हमेशा, कि वो लोग किस तरह से उनके साथ रहते हैं और कितने अच्छे हैं। आई माइट गेट अ लिटल इमोशनल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पापा ने हमेशा अपने बारे में कभी नहीं सोचा। इतनी लंबी सर्विस के बाद जिस सर्विस से पापा ने हम सबको इतना कुछ दिया है, हमने इतना कुछ अचीव किया है सिर्फ पापा मम्मी की वजह से, मेरी हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस पापा मम्मा को। और इतनी अच्छी सर्विस के बाद इतने अच्छे लोगों के साथ वो उन्होंने काम किया है, तो अब वो इंजॉय करें, घूमें फिरें, सब इधर उधर जाएँ, अपने सारे शौक पूरे करें, और थैंक यू। पहले तो सबको नमस्ते मेरी तरफ से, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए वंडरफुल टैलेंट पार्टी। वही कि मतलब एक वही है कि पूरा एक लाइफ का सर्कल कंप्लीट होता है, जैसे यहीं से स्टार्ट किया, आज यहीं पे जो है रिटायरमेंट जो है हो रही है, यहीं से अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी जो है पापा जी ने कम्प्लीट कर रहे हैं। इसमें आई डोंट थिंक कि कभी भी प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह का स्टिग्मा जो है पापा जी के ऊपर या कभी लगा है, तो वो चीज़ जो है कि कैसे डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ एंड फुली ऑनेस्टी के साथ अपना काम कैसे करना है, वो आपने हमेशा किया है और वही मैंने आपसे सीखा है। और अब आपकी ये जो है प्रोफेशनल इनिंग एक सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है, अब आपकी सेकंड इनिंग स्टार्ट हो रही है, अब आपने अपनी लाइफ जो है पूरी इंजॉय करनी है। आपने अभी तक अपने बच्चों का पूरा हर तरह से ध्यान रखा है, हर चीज़ की वो करिए। नाउ योर चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ यू, नाउ यू जस्ट इन्जॉय योर लाइफ। तो हम अभी फोरमैन जी को रिटायर करके आ चुके हैं, अभी इनके घर जा रहे हैं वापस, ये चले हम यहाँ पर, यहाँ से जाएंगे कहीं नीचे के लिए। चलो चलो सर, चलो।